छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम जो है क्लास जो है एम्फीबिया उभयचर के बारे में चर्चा किया था, आप लोगों को बताया था। आज हम चल रहे हैं क्लास रेप्टिलिया या जो है सरीसृप के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में क्लास रेप्टिलिया के बारे में चर्चा करने। आइए ध्यान दीजिएगा, क्लास रेप्टिलिया के जंतुओं की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, चलते हैं उसके बारे में चर्चा करने। आइए, नंबर वन जो है ये मुख्य रूप से सभी इस वर्ग के जंतु जो होते हैं स्थलीय होते हैं। दूसरा जो है जल विकास के क्रमानुसार ये प्रथम कशेरुकी हैं जो सूखी धरती पर जो है रहने के लिए उपयोजित हुए। नेक्स्ट जो है ये भूम दीवारों पेड़ों इत्यादि पर रेंगने वाले होते हैं। नेक्स्ट इनकी त्वचा सूखी यौन खुरदरी होती है, सूखी यौन खुरदरी होती है तथा इस पर धारणी सड़कों का जो है बाह्य कंकाल होता है। नेक्स्ट इनके पादों में पांच पांच पंजेदार अंगुलियां होती हैं जो दौड़ने रेंगने चढ़ने यौन उतरने के लिए जो होती हैं उपयोगित होती हैं। नेक्स्ट इनमें करोट में केवल एक ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है। नेक्स्ट इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट इनमें जो है ग्रीष्मीय क्लोन दरारें केवल भ्रूण या भ्रूणीय अवस्था में होती हैं। नेक्स्ट इनमें हृदय चार कक्षीय होता है जिसमें दो अस्पष्ट आलिंद एवं दो अस्पष्ट निलय होते हैं, जबकि मगरमच्छ में निलय का विभाजन जो होता है अस्पष्ट होता है तथा पूर्ण रूप से चार कक्षीय होता है। इसमें दो आलिंद तो अस्पष्ट होते हैं दायां और बायां, लेकिन निलय अस्पष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इनमें एम्फीबिया की भांति ये भी जो होते हैं असमतापी होते हैं, अर्थात वातावरण के तापमान के अनुसार इनके भी शरीर का तापमान बढ़ता रहता है। नेक्स्ट इनमें भी जनन छिद्र गुदा से पृथक नहीं होते हैं, अर्थात गुदा द्वारा वस्कर द्वार में खुलते हैं। नेक्स्ट इनमें नर में एक या एक जोड़ी मैथुन अंग होता है। नेक्स्ट इनमें निषेचन जो है आंतरिक होता है। नेक्स्ट इनमें मादाएं जो होती अंडयुग्म होती है अर्थात अंडे देती हैं जो बड़े पीतक युक्त एवं कठोर कैल्शियम युक्त कवचदार जो है कवच द्वारा या कवचदार द्वारा ढके अंडे देती हैं। नेक्स्ट इनके जीवन चक्र में कोई लार्वा अवस्था जो होती है वो नहीं होती। फिर समझिए क्या क्या विशेषताएं होती है रेप्टिलिया की। ये जो है ये सभी मुख्य रूप से स्थलीय होते हैं। नेक्स्ट इनमें ये जैव विकास के अनुसार ये प्रथम कशेरुकी जंतु हैं जो सूखी धरती पर रहने के लिए या उपयोजित हुए। नेक्स्ट ये भूमि दीवारों पेड़ों इत्यादि पर रेंगने वाले होते हैं। नेक्स्ट इनकी त्वचा सूखी खुरदरी होती है तथा इस पर हारने सड़कों का बाह्य कंकाल होता है। नेक्स्ट इनके पादों में पांच पांच पंजेदार अंगुलियां होती हैं जो दौड़ने रेंगने चढ़ने यौन उतरने के लिए उपयोगित होती हैं। नेक्स्ट इनमें इनके करोट में केवल एक ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है। नेक्स्ट इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट इनमें ग्रीष्मीय क्लोन दरारें केवल भ्रूणीय अवस्था में होती हैं भ्रूण में होती हैं। नेक्स्ट इनमें हृदय चार कक्षीय होता है जिसमें दो अस्पष्ट आलिंद एवं दो अस्पष्ट निलय होते हैं अर्थात तीन कक्षीय भी कह सकते हैं, जबकि मगरमच्छ में निलय का जो है विभाजन अस्पष्ट होता है। नेक्स्ट एम्फीबिया की भांति ये भी जो है असमतापी होते हैं। नेक्स्ट इनमें भी जनन छिद्र गुदा से पृथक नहीं होता है। नेक्स्ट इनमें नर में एक या एक जोड़ी मैथुन अंग होता है। नेक्स्ट इनमें निषेचन आंतरिक होता है। नेक्स्ट इनमें जो है मादाएं अंडे होती हैं अर्थात अंडे देती हैं जो बड़े पीतक युक्त एवं कठोर कैल्शियम युक्त कवच द्वारा ढके या कवच युक्त लग सकते हैं अंडे देती हैं। लास्ट इनके जीवन चक्र में कोई लार्वा अवस्था ये जो होती वो नहीं होती या शिशु अवस्था नहीं होती। अब चलते हैं आइए क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया या रेप्टिलिया के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में रेप्टिलिया के जो है क्लास रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करने। आइए ध्यान दीजिए, जो है रेप्टिलिया को जो है ये पांच जो है उप वर्गों या सब क्लास में व्यक्त किया गया। कितने उप वर्गों सब क्लास में? पांच सब क्लास या उप वर्गों में व्यक्त किया गया है, जिसमें सब क्लास नंबर जो है 1 एनाफ्सिडा, सब क्लास 2 यूरियाफ्सिडा,
सब क्लास थर्ड साइनाप्सिडा, सब क्लास फोर्थ इक्थियोप्टेरिजिया और सब क्लास फिफ्थ आर्कोसाउरिया। तो कितने सब उपवर्गों सब क्लास ग्रुप किया गया? पांच। फिर से चलिए, नंबर वन सब क्लास नैप्सिडा, सब क्लास सेकंड जो है यूरियाप्सिडा, सब क्लास थर्ड साइनाप्सिडा, सब क्लास फोर्थ इक्थियोप्टेरिजिया और सब क्लास फिफ्थ आर्कोसाउरिया। आइए अब हम चलते हैं जो है सब क्लास जो है एनाप्सिडा के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में एनाप्सिडा के बारे में चर्चा करने, आइए देखते हैं इस वर्ग के जंतुओं में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आइए इनमें जो है इस वर्ग के जंतुओं में या कह सकते हैं इनमें करोट या टेम्पोरल क्षेत्र में कोई छिद्र नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें क्वाड्रेट अस्थि जो होती है कर्ण अस्थि से जो होती समेकित होती है जुड़ी होती है। नेक्स्ट, इनमें तीन गण में दो में केवल विलुप्त जातियां हैं, दो जो है उसमें कोई जीवित नहीं है, केवल एक आर्डर गण जिसको हम कहते हैं किलोनिया में विलुप्त यौन विद्यमान दोनों जातियां हैं। फिर समझिए, सब क्लास एनाप्सिडा में नंबर वन जो है इनमें करोट या टेम्पोरल क्षेत्र में कोई छिद्र नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें क्वाड्रेट अस्थि कर्ण अस्थि से जो होती समय की या जुड़ी होती है। नेक्स्ट, इनमें तीन गणों में तीन गण है, इसमें तीन गण होते हैं लेकिन जिसमें दो में केवल विलुप्त जातियां हैं तथा केवल एक गण यानी आर्डर किलोनिया में विलुप्त एवं विद्यमान दोनों जातियां हैं। आइए हम चलते हैं ये आर्डर किलोनिया के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में आर्डर किलोनिया के बारे में या गण किलोनिया के बारे में चर्चा करने, ध्यान दीजिएगा इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर वन जो है इसके जंतु जो है प्रायः जल में रहते हैं तथा कभी कभी किनारे की ओर नंबरों पर आ जाते हैं। दूसरा, इनके शरीर चौड़ी तथा अस्थ के बने कठोर खोल में जो होती है बंद होती है। नेक्स्ट, इनमें खोल जो होती है चिम्बर एवं सपाट त्वचा द्वारा जो होती है ढकी होती है। नेक्स्ट, इनमें सिर पाद एवं पूंछ सल्कों द्वारा जो होते हैं ढके होते हैं। नेक्स्ट, इनमें जबड़े हार्न के बने एवं दंत विहीन होते हैं। नेक्स्ट, इनमें क्वाड्रेट जो है अचल होती है, क्वाड्रेट अस्थिर होती है। नेक्स्ट, इनमें अवस्कर छिद्र अन्नम द्राव के रूप में होता है। नेक्स्ट, इनमें नर में सीसम पाया जाता है यानी मैथुन यजनन अंग है। नेक्स्ट, इनमें मादा भूमि में गड्ढा खोद कर अंडे देती है तथा उन्हें रेत से जो होती ढक देती है। फिर से समझिए, आर्डर किलोनियम क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये प्रायः जल में रहते हैं तथा कभी कभी किनारे की नंबों पर जो होते आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी शरीर चौड़ी तथा अस्थि के बने कठोर खोल में जो होती बंद होती है। नेक्स्ट, इनमें खोल जो है चिम्बर एवं जो है सपाट त्वचा द्वारा जो ढकी होती है। नेक्स्ट, इनमें सिर पाद एवं पूंछ सल्कों द्वारा ढके होते हैं। नेक्स्ट, इनमें जबड़े हार्न के बने एवं दंत विहीन होते हैं। नेक्स्ट, इनमें क्वाड्रेट अस्थि अचल होती है। नेक्स्ट, इनमें अवस्कर छिद्र अनुलंब दवार दरार के रूप में होता है। नेक्स्ट, इनमें नर में सीसन पाया जाता है और लास्ट जो है इनमें मादा भूमि में गड्ढा खोदकर अंडे देती है तथा उन्हें रेत से जो होती है ढक देती है। इसका एग्जांपल है जो है ट्रायोनेट्स किलोन और टेस्ट्यूडो। क्या क्या एग्जांपल है? ट्रायोनेट्स किलोन यौन जो है टेस्ट्यूडो। छात्रों अब हम चलते हैं सब क्लास यूरियाप्सिडा के बारे में चर्चा करने। इसके पहले अभी हमने जो है सब क्लास एनाप्सिडा के बारे में चर्चा किया था। आइए ध्यान दीजिएगा, सब क्लास यूरियाप्सिडा में जो है विलुप्त है, इसमें दो जात विलुप्त है, दो केवल इसमें दो आर्डर है, इसकी सभी जातियां विलुप्त है। थर्ड सब क्लास साइनाप्सिडा, इसकी भी सभी जातियां विलुप्त है और इसके दो आर्डर है। सब क्लास नेक्स्ट सब क्लास इक्थियोप्टेरिजिया, इसमें भी विलुप्त है, केवल एक गण है इसमें। आइए नेक्स्ट चलते हैं सब क्लास लेपिडोसाउरिया। सब क्लास लेपिडोसाउरिया, ध्यान दीजिएगा इस जो है उपवर्ग या सब क्लास में एक विलुप्त एवं दो विलुप्त है, एक विलुप्त एवं दो विलुप्त यौन जातियों के गण है। इसमें एक विलुप्त एवं दो विलुप्त जातियों के गण और करोट के टेम्पोरल क्षेत्र में दो जोड़ी है, इसमें टेम्पोरल छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? टेम्पोरल छिद्र होते हैं। अब इसमें कौन कौन से जो है विलुप्त एवं विद्यमान जातियों के गण या आर्डर है
दो ऑर्डर है, नंबर ऑर्डर नंबर वन रिपोर्ट से फैल गया और ऑर्डर नंबर दो इसको हम हटाए। सब क्लास लिप्टोसाइलेंट कितने ऑर्डर हैं विलुप्तियों के विद्यमान जातियों के, ऑर्डर नंबर वन रिपोर्ट से फैल गया और ऑर्डर नंबर दो जो है इसको हम हटा। आइए हम चलते हैं ऑर्डर नंबर वन जो है या गण नंबर वन रिंकोसिफाइलिया, इसके बारे में रिंकोसिफाइलिया के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा रिंकोसिफाइलिया में केवल इसकी एक जात जो है जिसे स्फेनोडॉन कहते हैं ये जीवित है विद्यमान है, जो न्यूजीलैंड के निकट छोटे छोटे द्वीपों में पाई जाती है। नेक्स्ट इसके लक्षण विलुप्त शरीर शिल्पों जैसे हैं। नेक्स्ट इसकी शरीर छिपकली जैसी लंबी होती है तथा यह बहुत सुस्त रहता है। नेक्स्ट ये बिलों में रहता है और रात में निकल कर केंचुओं घोंघों एवं कीड़ों को जो होता खाता है। नेक्स्ट इसमें मध्यवर्ती तीसरा नेत्र होता है तथा त्वचा की सलखें दानों के रूप में होती हैं। नेक्स्ट इसमें नर में मैथुनंग नहीं होता है तथा इसमें अवस्कर द्वार दर अनुप्रस्थ दरार न होता है और इसके अंडे जो है छोटे होते हैं। नेक्स्ट फिर आइए क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर वन इसकी केवल एक जात स्पिनोडॉन जीवित है जो न्यूजीलैंड के निकट छोटे छोटे द्वीपों में पाई जाती है। नेक्स्ट इसके लक्षण विलुप्त शरीर श्रीपुर जैसे हैं। नेक्स्ट इसकी शरीर छिपकली जैसी लंबी होती है तथा ये बहुत सुस्त रहता है। नेक्स्ट ये बिलों रहता है और रात में निकल के केंचुओं घोंघों एवं कीड़ों को खाता है। नेक्स्ट इसमें मध्यवर्ती तीसरा नेत्र होता है तथा त्वचा की सलखी दानों के रूप में होती हैं। नेक्स्ट इसमें नर में मैथुनंग नहीं होता है तथा इसमें अवस्कर द्वार अनुप्रस्थ दरार नुमा होता है तथा इसके अंडे जो होते हैं छोटे होते हैं। आइए नेक्स्ट ऑर्डर हम चलते हैं स्क्वामिटा के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में स्क्वामिटा के बारे में चर्चा करने आइए देखते हैं स्क्वामिटा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर वन जो है इसमें कुछ जलीय होते हैं तथा से जंगलों घरों खेतों एवं बगीचों तथा बिलों में रहते हैं। नेक्स्ट इनमें तेजी से रेंगकर शत्रुओं से बचने की क्षमता होती है। नेक्स्ट ये त्वचा के हारने सलकों के आवरण को समय समय पर या जो कर टुकड़ों के रूप में या केचुल के रूप में जो होते त्यागते रहते हैं। नेक्स्ट इनमें पूंछ लंबी होती है। नेक्स्ट इनमें जबड़े करोड़ से दोनों ओर एक एक चल क्वाड्रेट हड्डी द्वारा इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि मुख ग्रासन गुण का जो है बहुत चौड़ी जो है खुल सकती है। यहाँ नंबरिंग में ये छूट जाएगा, यहाँ छह हो जाएगा, यहाँ सात आठ यहाँ पर होगा। तो ध्यान दीजिए हमने बताया कि जो है इनमें जबड़े करोड़ से दोनों एक एक चल क्वाड्रेट हड्डी द्वारा इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि मुख ग्रासन गुहिका बहुत चौड़ी खुल सकती है तथा इनमें दांत जबड़ों के अधीनों से जुड़े होते हैं या समेकित होते हैं। नेक्स्ट इनमें कशेरुकाएं अग्रवर्ती होती हैं। नेक्स्ट इनमें नर में दोहरा मैथुनंग होता है और लास्ट इनमें अवस्कर द्वारा अनुप्रस्थ दरार जैसा। फिर समझिए इसका आर्डर स्क्वामिटा की क्या विशेषताएं। आइए नंबर वन इसमें जो है कुछ जलीय होते हैं तथा शेष जंगलों घरों खेतों एवं बगीचों में तथा कुछ बिलों में रहते हैं। नेक्स्ट इनमें तेजी से रेंगकर शत्रुओं से बचने की क्षमता होती है। नेक्स्ट ये त्वचा के हारनी सलकों के आवरण को समय समय पर टुकड़ों या केंचुओं के रूप में शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। नेक्स्ट इनमें पूंछ लंबी होती है। नेक्स्ट जबड़े इनमें जबड़े करोड़ से दोनों ओर एक एक चल क्वाड्रेट हड्डी द्वारा इस प्रकार जुड़े होते हैं कि इनकी मुख ग्रासन गुहिका बहुत बड़ी चौड़ी खुल सकती है तथा इनमें दांत जबड़ों की हड्डियों से समेकित होते हैं। नेक्स्ट इनमें कशेरुकाएं अग्रवर्ती होती हैं तथा इनमें नर में दोहरा मैथुनंग होता है और नेक्स्ट इनमें अवस्कर द्वार या अवस्कर छिद्र अनुप्रस्थ दरार जैसा यात्रा नुमा होता है। अब आइए चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वामिटा या स्क्वामिटा के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वामिटा ध्यान दीजिएगा स्क्वामिटा को दो ऑर्डर या दो गण में विभक्त किया गया है जिसमें सब ऑर्डर नंबर वन जो है इस स्क्वामिटा को दो
उपगण या सब ऑर्डर में विभक्त किया गया है, जिसमें सब ऑर्डर नंबर वन लाइसेटिडिया या सावलिया और सब ऑर्डर नंबर दो जो ओफिडिया और सर्पेंटिस। कितने ऑर्डर? सब ऑर्डर में दो, सब ऑर्डर नंबर वन लाइसेटिडिया या सावलिया और सब ऑर्डर नंबर दो ओफिडिया सर्पेंटिस। तो आइए चलते हैं सब ऑर्डर जो है लाइसेटिडिया के बारे में चर्चा करने, इसके बारे में लाइसेटिडिया के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा इनकी क्या क्या विशेषताएं होती। नंबर वन, पाद विकसित एवं पंजेदार होते हैं इनमें। दूसरा, इनमें नेत्रों की पलकें चल होती हैं। तीसरा, इनमें अंश मेखला विकसित होती है। चौथा, इनमें निचले जबड़े अर्धांश, निचले जबड़े के अर्धांश होगा, निचले जबड़े के अर्धांश आगे परस्पर जो है समेकित होते हैं। पांचवा जो है स्टर्नम टिम्पैनल मूत्राशय जो है उपस्थित होता है और नेक्स्ट मस्तिष्क खोल आगे से खुला होता है। फिर समझे, इनमें पाद विकसित एवं पंजेदार होते हैं। नेक्स्ट, नेत्रों की पलकें चल होती हैं। नेक्स्ट, अंश मेखला विकसित होता है। नेक्स्ट, निचले जबड़े के अर्धांश आगे परस्पर समेकित होते हैं। नेक्स्ट, स्टर्नम टिम्पैनम एवं मूत्राशय उपस्थित होता है और लास्ट मस्तिष्क खोल जो है खुला होता है। एग्जाम्पल में वायनस, यूरोमास्टिस, होलोडर्मा और हेमीडेक्टाइलस, ये चार एग्जाम्पल है, वायनस, यूरोमास्टिक्स, होलोडर्मा और हेमीडेक्टाइलस। अब आइए चलते हैं सब ऑर्डर जो है ओफिडिया, सब ऑर्डर ओफिडिया या सर्पेंटिस के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में सर, सब ऑर्डर ओफिडिया, ध्यान दीजिएगा इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबरिंग छूट गया इसमें। हाँ आइए, क्या क्या सब ऑर्डर ओफिडिया क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर वन, पाद स्टर्नम टिम्पैनम अंश मेखला तथा मूत्राशय अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, निचले जबड़े के अर्धांश आगे एक लचीले स्नायु के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे शिकार के समय जो है इनका मुख निकलने के लिए, शिकार को निकलने या खाने के लिए काफी फैल जाता है। नेक्स्ट जो है चल पलकों एवं बाह्य कर्ण छिद्रों का अभाव होता है इनमें, चल पलकों एवं बाह्य कर्ण छिद्रों का अभाव होता है। नेक्स्ट, इनकी जीभ लंबी एवं आगे से कटी तथा संवेदन का काम करती है। नेक्स्ट, बायां फेफड़ा इनमें छोटा या अनुपस्थित होता तथा दांत पतले एवं नुकीले होते हैं। फिर समझिए ओफिडिया क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें जो है इस सब ऑर्डर के जंतुओं में जो है पाद स्टर्नम टिम्पैनम अंश मेखला तथा मूत्राशय अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, निचले जबड़े के अर्धांश आगे एक लचीले स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे शिकार के समय इनका मुख शिकार को निकलने के लिए काफी फैल जाता है। नेक्स्ट, इनमें चल पलकों एवं बाह्य कर्ण छिद्रों का अभाव होता है। नेक्स्ट, इनमें जीभ लंबी एवं आगे से कटी होती है तथा संवेदन का कार्य करती है। नेक्स्ट, इनमें बायां फेफड़ा छोटा या अनुपस्थित होता तथा दांत पतले एवं नुकीले होते। एग्जाम्पल में पायथान मतलब अजगर, कोबरा मतलब नाग, वाइपर बंगरस, चार एग्जाम्पल है, पायथान, कोबरा, वाइपर एवं बंगरस। अब आइए हम चलते हैं सब जो है लास्ट सब क्लास जो है आर्कोसाविया के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में आर्कोसाविया में, इसमें आर्कोसाविया में चार विलुप्त जातियों के गण जो है, चार विलुप्त जातियों के गण हैं। इसमें केवल एक गण क्रोकोडिलिया में जो है इसकी जातियां जो है विद्यमान है, जीवित है। इसमें जो है चार विलुप्त जातियों के गण है, लेकिन केवल एक गण क्रोकोडिलिया में विद्यमान जातियां हैं। आइए चलते हैं आर्डर क्रोकोडिलिया के बारे में चर्चा करें। इसके बारे में क्रोकोडिलिया के बारे में क्या क्या विशेषताएं, आइए। ये जो है क्रोकोडिलिया के जो सदस्य होते हैं, गहरे नदियों एवं बड़ी झीलों के वासी होते हैं, झीलों में रहते हैं। नेक्स्ट, इनके शरीर छिपकली जैसी परंतु जो है आगे बड़ा एवं भारी होता है। नेक्स्ट, ये सबसे बड़े सरीसृप होते हैं। नेक्स्ट, इनका सिर लंबा एवं तुंडाकार होता है। नेक्स्ट, इनमें नेत्र बड़े एवं उभरे हुए होते हैं। नेक्स्ट, इनमें नासा द्वारा नेत्र तथा कर्ण एक सिद्ध में होते हैं।
नेक्स्ट है इनमें त्वचा मोटी यौम जो है चिम्मर होती है चिम्मर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट इनके त्वचा पर मोटी सलकें तथा सलकों के नीचे दृढ़ता के लिए हड्डी की प्लेटें होती हैं। नेक्स्ट इनमें पूंछ लंबी होती है तथा दोनों पार्श्व में चपटी होती है। नेक्स्ट पाद छोटे तथा अग्रपादों में पांच पांच एवं पश्च पादों में चार चार अंगुलियां होती हैं। नेक्स्ट अंगुलियों के बीच जाल तथा जाल युक्त पाद एवं चपटी पूंछ इनमें तैरने के लिए जो है तैरने का काम करती है सहायक होती है। नेक्स्ट इनमें क्वाड्रेंट स्थिर एवं मुख जो होता है चौड़ा होता है। नेक्स्ट अवस्कर द्वार या छिद्र अनुप्रस्थ द्वार नुमा होता है। नेक्स्ट इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट इनमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है और लास्ट मादाएं घूम कर गड्ढे खोद कर अंडे देती हैं। फिर से समझिए आर्डर क्रोकोडिलिया की क्या विशेषताएं होती हैं। इसके सदस्य गहरे नदियों एवं बड़ी झीलों में रहते हैं। नेक्स्ट इनके शरीर जो है छिपकली जैसी परंतु बड़ा एवं भारी होता है। नेक्स्ट ये सबसे बड़े सरीसृप होते हैं। नेक्स्ट इनका सिर लंबा एवं तुंडाकार होता है। नेक्स्ट इनके नेत्र बड़े एवं उभरे हुए होते हैं। नेक्स्ट इनमें नासा द्वार नेत्र तथा कर्ण एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट इनमें त्वचा मोटी एवं चिम्मर होती है। नेक्स्ट इनमें त्वचा पर मोटी सलकें तथा सलकों के नीचे दृढ़ता के लिए हड्डी की प्लेटें होती हैं। नेक्स्ट इनमें पूंछ लंबी एवं दोनों पार्श्व में चपटी होती है। नेक्स्ट इनमें पाद छोटे तथा अग्र पादों में पांच पांच एवं पश्च पादों में चार चार अंगुलियां होती हैं। नेक्स्ट अंगुलियों के इनमें अंगुलियों के बीच जाल तथा जाल युक्त पाद एवं चपटी पूंछ तैरने में सहायक होती है। नेक्स्ट इनमें क्वाड्रेंट अस्थि स्थिर एवं मुख द्वार चौड़ा होता है। नेक्स्ट इनमें अवस्कर द्वार अनुप्रस्थ द्वार नुमा होता है। नेक्स्ट इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। लास्ट नेक्स्ट इनमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है एवं लास्ट मादाएं घूम पर गड्ढे खोद कर अंडे देती हैं। एग्जाम्पल में जो है गेबेलिस ये भारतीय मगरमच्छ है। गेबेलिस को भारतीय मगरमच्छ कहते हैं। एलिगेटर क्रोकोडाइलस तीन एग्जाम्पल है कौन कौन से गेबेलिस एलिगेटर एवं क्रोकोडाइलस। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा करेंगे।